नमस्कार मेरे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए बच्चों, बहुत जबरदस्त बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, कुछ जबरदस्त मिसस्पेल्ड वर्ड जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपका पेपर चल ही रहा है तो इसे बहुत काम के हो सकते हैं कुछ वर्ड जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों सभी लोग आ जाइए और हम इस बात को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत खास बातों को और हम इसमें जो डिस्कशन करेंगे, डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन और बैचेस के बारे में बात करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सफलता बैच सबसे पहले सीजीएल सीएचएसएल के लिए 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। डाउट आप चाहे तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट एंड सॉल्यूशन फीचर पर जाइए, उस इमेज को डालिए और क्रॉप करके और फिर वहां जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां डाल दीजिए, ठीक है। आप लगातार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, और आप टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आप टीचर से पूछ सकते हैं। एसएससी कॉम्बैट 50 मिनट्स 40 क्वेश्चन, 1 करोड़ का पूल है। एवरी संडे 12 PM को आपको ये देना है, ठीक है। आप कोड आपको यहां पर कौन सा लगाना है, Agni10, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो है आपको इस तरह से इसमें छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा आपका रैंक है, ठीक है बच्चों। चलिए 24 मंथ्स के लिए 7800, ठीक। 12 मंथ्स के लिए 6500 और 6 मंथ्स के लिए 5400 आपको पे करना। कोड क्या यूज करेंगे, Agni10, और इसमें आपको कितने परसेंट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वेरी गुड, Agni10 मेरा रेफरल कोड है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, तो इस कोड को डालिएगा। कंप्लीट कोर्स मेंस का चालू है, बहुत ही जबरदस्त कोर्स हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त बातें हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर से जुड़िए, पेड बैचेस में सब्सक्राइब करिए। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में बेहतरीन जानकारियां मिलती रहें, बेहतरीन बैचेस मिलते रहें। और डाउनलोड ही नहीं करना बल्कि लेना भी, सब्सक्राइब भी करना। कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश ये भी पेड बैच है जो चल रहा है, इसमें भी हम खासतौर पर MTS और GD को टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें भी बहुत सी ऐसी बातें जो जबरदस्त है। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। शुरुआत करते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड्स के बारे में जो आपके लिए काफी मायने रखते हैं और बहुत ही कीमती वर्ड्स, ठीक है। चलिए पहला वर्ड हमारे सामने है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना, करेजियस, आउटरेजियस, लैंग्रेस, स्पेशियस। हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, रॉन्गली स्पेल्ड, तो हमें इन 3-4 वर्ड जो लिखे हैं इनमें से जो गलत है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा जल्दी से आंसर बताइए कौन सा है वो गलत है, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जो गलत है वो बताइए कौन सा है, जल्दी से एक बार आप बताएं। चलो स्पेशियस गलत है, आउटरेजियस गलत है, करेजियस गलत है, कौन सा गलत है? चलो शुरू करें, इसमें जो गलत स्पेलिंग थी वो थे लैंग्रेस की, ई हटा दीजिए बाकी सब ठीक हो जाएगा, ई हटा दीजिए आपकी स्पेलिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। लैंग्रेस है ना, LNGURUS, लैंग्रेस की स्पेलिंग जो है, इसका मतलब टेंडिंग वीकनेस, जो कमजोरी को बढ़ाए। स्पेशियस जगह ज्यादा है, ठीक है। हैविंग स्पेस, आउटरेजियस जो आउटरेज जो क्या पैदा करे, बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा करे लोगों में, आउटरेज जो है क्रोध जो होता है ना, वायलेंस पैदा करे। हाँ वायलेंस वर्ड सही है, वायलेंस, ट्रेंडिंग वायलेंस लिख लीजिए जो वायलेंस पैदा करे। और करेजियस तो आपको पता ही है साहसी के लिए है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या था, सी फॉर कैट। 4 वर्ड है, लैब्ड, मर्मर्ड, डेटर्ड, वर्शिप्ड, तो बताइए क्या आंसर बनेगा, विच वन इज अ रॉन्ग वन। विच वन इज द रॉन्ग वन, सभी लोग बताएं।
अच्छे वर्ड्स है सारे, ठीक। तो वर्शिप भी ठीक है, डेटर्ड भी ठीक है, डेटर्ड का मतलब रोकना, ठीक है। मर्मर्ड में सिंगल आर आएगा, इसका मतलब तो बुदबुदाना या शिकायत करना, बुदबुदाना, ठीक है, या शिकायत करना, ठीक। और जो वर्ड है लैप्ड, इसके बारे में जान लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जो फ्लैप्ड होते हैं ना, वो जैसे ड्रेस, वो क्या बोलते हैं उसको, स्कर्ट होती है, स्कर्ट फ्लैप होते हैं कपड़ों के, तो वो आप कह सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, स्कर्ट भी हो सकता है, ठीक है, और कोई कोट या ड्रेस भी हो सकती है, उसके जो फ्लैप्स होते हैं ना, उसमें जो तह लगी होती है वो। चल आगे बढ़े, तो दिस इज द वर्ड सेकंड वन। थर्ड, सार्जन, सिलोटी, सेशन, सोमनम्बुलिस्ट, विच वन इज द रॉन्ग वन, आंसर बताइए। तीन वर्ड है, आंसर दीजिए, विच वन इज द रॉन्ग वन बताइए। चार वर्ड, सही स्पेलिंग जो है वो, गलत स्पेलिंग जो है वो सार्जेंट की है, एस ई आर जी ई ए एन टी, सार्जेंट, जो जैसे आर्मी ऑफिसर्स हो तो वैसे ही होते हैं सार्जेंट। आपको कभी भी स्पेलिंग दिक्कत दे, ये आपको स्पेलिंग समझ ना आए सार्जेंट की, कि आपको याद नहीं हो रही है, तो मैं बच्चों एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जैसा लिखा वैसे इस्तेमाल कर दीजिए। इसको कैसे बोल दीजिए, सर्जियंट, सर्जियंट, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी सार्जेंट। ठीक है, बात क्लियर। फैसिलिटी का मतलब छाया चित्र, काला रंग जिसमें होता है वो ऐसा चित्र कुछ बनाना, ठीक है। सेशन तो आपको पता ही, सोमनम्बुलिस्ट जो नींद में चले, नींद में चले, तो दिस इज द आंसर, विच वन, पहला। चौथा वर्ड, फैकेड, इनएप्ट, कोटेशन, परसुएसिव, चलो बताओ, इनएप्ट, फैकेड, परसुएशन, परसुएसिव, कौन सा इसमें जो है वो गलत है, बताए। इसमें सब सही है, परसुएसिव में बस ई लगाना है, किसकी जगह, यू की जगह, बस। फैकेड नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता फसाड, फॉल्स अपीयरेंस इसे कहते हैं, फॉल्स अपीयरेंस, जो दिखता अजीब सा है, मतलब फ्रंट साइड से कुछ ऐसा दिखे, या ऐसा कह सकते हैं फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, कोटेशन आपको पता है, इनएप्ट जो अनस्किल्ड है, ठीक है, परसुएसिव जो परसुएड करे, टेंडिंग टू परसुएड, परसुएड खुशामद, ठीक है। चलो अगला वर्ड, डेमिनर या डेमोन्स्ट्रेटर या डिमोरलाइज्ड, विच वन इज द रॉन्ग वन, प्लीज डिसाइड। वर्ड तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बताओ मेरे बच्चों क्या आंसर है।
डेमोन्स्ट्रेटर में बस ए लगा दीजिए सही हो जाएगा, जो डेमोन्स्ट्रेट करे डिओडोराइज, जो बदबू को हटाए, डिमीनर बिहेवियर होता है दूसरों के साथ जो आपका व्यवहार होता है वो, डिमोलाइज किसी को बहुत ज्यादा डिमोलाइज करना, डिप्रेस करना। चलिए द वर्ड इज मेटाफर एक्सप्लीटिव एलेगरी, कौन सा गलत है जल्दी से बताइए, विच वन इज द रॉन्ग वर्ड जल्दी बताओ। एक्सप्लीटिव बिल्कुल ठीक है, मेटाफर भी ठीक है, एलिगरी की स्पेलिंग में एक ही जगह क्या कर देना है, ओ करना है। एलिगरी संकेत यानी कि प्रतीकात्मक रूप से जो कथाएं होती है, प्रतीकात्मक कथाएं, ठीक है। पैरडी मिमिक्री होती है, ठीक है, चल बढ़िया आगे बढ़ते हैं। सातवां वर्ड न्यूरोसर्जन होम्योपैथ ब्यूरोक्रेट वेटरनरी, बिल्कुल सामने दिख रहा है, सारे वर्ड्स की मीनिंग तो वैसे ही क्लियर है, लेकिन बस वेटरनरी की जो ब्यूरोक्रेट वगैरह इन सब की स्पेलिंग देखनी है आपको। सिंपल वर्ड है सब बताइए। तो बच्चों सारी स्पेलिंग इसमें सही थी, होम्योपैथ भी सही, न्यूरोसर्जन भी सही, ब्यूरोक्रेट भी सही, वेटरनरी में बस आपको क्या करना था, वीई टीई आर आई एन ए आर वाई, वेटरनरी नरी, ठीक है, जो एनिमल्स के इलाज से जुड़े होते हैं। चलिए बढ़िया, आठवां वर्ड वैरायटी एंजाइटी गाइटी और सोसाइटी, बताइए विच वन इज द रॉन्ग वन, आठवां वर्ड आपको डिसाइड करना है कौन सा होगा इसमें सही, जल्दी से बता दे। चलो बताओ जल्दी से, सारे सही है, सोसाइटी एंजाइटी सारे सही है, गाइटी की स्पेलिंग गलत है, तो जी ए आई ई टी वाई, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, चीयरफुल होता है इंसान, खुश, दिस इज द स्पेलिंग। असेसमेंट असाइनमेंट अलाइनमेंट इनहेरेंट, बताइए विच वन इज द रॉन्ग वन, टेल मी, सारे सही है, इनहेरेंट अलाइनमेंट असाइनमेंट, असेसमेंट की स्पेलिंग गलत है, ए एस एस ई एस एस एम ई एन टी, असेसमेंट, दिस इज द आंसर, ठीक है, आकलन करना है चीजों का। सिनोनिमस अनोनिमस यूनानिमस सिरोनिमस, बताइए विच वन इज द रॉन्ग वन, दस वर्ड टोटल 15 वर्ड हमने कर रहे हैं, दस वर्ड ये रहा। तो बेटा सिनोनिमस की स्पेलिंग गलत थी, एस वाई एन ओ एन, सिनोनिमस ये होना चाहिए पर्यायवाची तौर पर, अनोनिमस जिसको कोई ना जानता, यूनानिमस एक मत होना, और सिनोनिमस छद्म ना, छद्म यानी कि नकली ना, ठीक है, बात क्लियर हो गई। सिनोनिम्स ठीक, अगला तो कॉन्डोन करना, कॉन्डोन सी ओ एन डी ओ एन, कंडेम कंटेंट कंटेम्प, क्या आंसर बनेगा, कॉन्डोन कर देना पूरा, सी एन डी एन ई, अब बताओ सी एन डी ओ एन, कॉन्डोन कंडेम कंटेम्प कंटेंट,
चलिए, कॉन्डोन का मतलब होता है माफ करना, माफ करना, कंटेम्प अपमान करना, कंटेम्प की स्पेलिंग में ई आएगा, सही हो जाएगा, अपमान करना, कंटेंट, संतुष्टि भी होती है। और अगला, द वर्ड इज एक्यूमुलेट चैलेंज बिगिनिंग टॉलरेंट, कौन सा गलत है जल्दी से बताइए, विच वन इज द रॉन्ग स्पेलिंग जल्दी से बता दीजिए। सारी स्पेलिंग सही है बेटा, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, सारे सही, टॉयलेट की स्पेलिंग बस ई की जगह क्या कर लीजिए, ए कर लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बात क्लियर। तो बच्चों ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरा इनका ध्यान रखा करो, आपके लिए काफी काम की चीजें यहां पर होती है, है ना बच्चों। चलिए चलो आप ये बात आगे बढ़ाएं, अगला पेरूज, परसुएड, परसुइट, परस्यू, विच वन इज द रॉन्ग वन बताइए, विच वन इज द रॉन्ग वन, कौन सी स्पेलिंग जो है इसमें गलत है जल्दी से बताएं, विच वन इज द रॉन्ग वन। वर्ड नंबर 13 जल्दी से बताइए, तो विच वन इज द रॉन्ग वन, द रॉन्ग वन स्पेलिंग दिस वन, द रॉन्ग वन स्पेलिंग दिस वन, तो सही स्पेलिंग क्या होगी, पी यू आर S U I T, सही बोला मैंने कि गलत बोला, परसुइट, एक्ट ऑफ परसुइंग कुछ करना, तो P U R S U I T, दिस इज परसुइट, ठीक है, परस्यू से ही बना है, परसुएड किसी की खुशामद करना, ठीक है, और ये जो वर्ड दिया हुआ पेरूस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर नोट कर लीजिए अपना, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन, परीक्षण करना, जांच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए अगला वर्ड देखें, वेटेज, बैगेज, लगेज और विलेज, विच वन इज द राइट वन, रॉन्ग वन जल्दी से बताओ, विच वन इज द रॉन्ग वन, कौन सी स्पेलिंग गलत है जल्दी से बताएं, आपको दिख ही रही होगी स्पेलिंग कौन सी गलत है, तो सही स्पेलिंग कौन सी बेटा, सभी लोग बताओ जल्दी सही स्पेलिंग, बहुत ही ऐसी स्पेलिंग है जो अक्सर कंफ्यूज करती है लोगों को, और बहुत सारे लोग उसको करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, बताइए बच्चे, ये स्पेलिंग बनेगी वेट से, वेटेज, डब्ल्यू ई आई जी एच टी ए जी ई, वेटेज, है ना। बैगेज और ये तो सब सिंपल थे, आप किसी चीज को कितना ज्यादा महत्व तो देते हैं। अगला, रिसीव, कंसीव, परसीव, डिसीव, बताइए विच वन इज द रॉन्ग वन, इन सब स्पेलिंग में याद रखिएगा एक ही स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग वन है, जहां सी आए वहां ई आए का जनरली यूज होता है, आई ई नहीं कर रहा है सामान्य तौर पर, कुछ ऐसे भी साइंस वगैरह में आई ई लगा देते हैं, तो यहां पर बेटा कौन सी स्पेलिंग गलत थी, ई आई करना, इसका तो धोखा दे, धोखा दे। तो बच्चों
आपको समझ में आया 15 वर्ड, जिसमें सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा आया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह के वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। मिसेस पैट में बहुत सारे वर्ड्स हम इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बेटा लाइक करिएगा। थैंक यू बीइंग विद मी। जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह से मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।